शशि राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त पूरे ही देश भर में महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, राजस्थान और गुजरात की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन बात की जाए महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, बीते लंबे वक्त से महाराष्ट्र में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। ये सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा की आप जानते हैं की महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से अपनी सरकार बना चुके हैं शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे। आज वह मुख्यमंत्री के पद पर हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए वह ऐसे कई अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे महाराष्ट्र का विकास तो हो रहा है लेकिन यहां पर विपक्ष उनके फैसलों से काफी ज्यादा निराश होते हुए दिखाई दे रहा है। 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे थे एकनाथ शिंदे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ। 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ने ऐलान किया था कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। लेकिन एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, उनकी बगावत के बाद किस तरीके से यहाँ पर उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, इंतजार है चुनाव आयोग के फैसले का। उद्धव गुट और शिंदे गुट में इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। आखिरकार चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ होगा, 27 सितंबर के दिन इसकी अपडेट भी सामने आ जाएगी। अगली सुनवाई 27 सितंबर को है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसी बीच ठाकरे परिवार को लेकर कई राज खुल रहे हैं। जब विधायकों ने बगावत कर ली उस वक्त उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे एक बार फिर से आगे आकर खड़ी हो गई। अपने पति के हर कदम पर साथ दिया रश्मि ठाकरे ने बागी विधायकों की पत्नियों को कॉल किया, मैसेज किया कि कैसे भी करके वह अपने पतियों को मनाए। और दूसरी ही तरफ रश्मि ठाकरे आज भी तमाम कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि जब सीएम पद छिन गया था, जब सत्ता से उद्धव की सरकार गिर गई थी, महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन हो गया था, उस वक्त रश्मि ठाकरे का हाल क्या कुछ हुआ था, रश्मि ठाकरे किस तरीके से रोई थी, अब इसका खुलासा हो चुका है। रश्मि ठाकरे जिन्होंने उद्धव का साथ हमेशा ही दिया है, आज भी वह देती चली आ रही है। वह एक पत्नी होने के नाते उद्धव के साथ हमेशा के लिए खड़ी हुई है। लेकिन रश्मि ठाकरे को लेकर अब तमाम राज खुल चुके हैं। रश्मि ठाकरे को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं शिवसेना पार्टी में, लेकिन यहां पर रश्मि को लेकर और भी चौंकाने वाले राज खुल चुके हैं। आपको बता दें कि उद्धव गुट में किस तरीके से नेता रामदास कदम ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन वह जब से उद्धव गुट से बाहर हुए हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने पद से, तब से वह कई राज खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि रश्मि ठाकरे को लेकर अब क्या कुछ खुलासे हुए हैं, जरा देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लंबे वक्त से महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त महाराष्ट्र में ना सिर्फ आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है, बल्कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के फैसले का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की तरफ से कि आखिरकार शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण किसका है, आखिरकार असली शिवसेना किसकी है। और ऐसे में उद्धव ठाकरे ने हाल ही में शिवसेना भवन में पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने कह दिया है कि शिवसेना उनकी है, मूल शिवसेना उनकी है, उसे ना ही छीना जा सकता है ना ही खरीदा जा सकता है। इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ उनका पूरा ही परिवार है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं। मातोश्री में बागी विधायकों को एक बार फिर से वापस बुलाने की कोशिश में वह जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे भी पीछे
नहीं है। रश्मि ठाकरे सियासी उठापटक के बीच काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई। रश्मि ठाकरे ने अपने पति उद्धव ठाकरे की सरकार को जब जाते हुए देखा, उस वक्त वह बागी विधायकों को मनाती हुई नजर आई। मोर्चा संभालती हुई दिखाई दी रश्मि ठाकरे। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया बागी विधायकों की पत्नियों को। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि रश्मि ठाकरे सियासी उठापटक के बीच एक्टिव हुई और उन्होंने यहां पर मनाने की पूरी पूरी कोशिश की बागी विधायकों को, लेकिन वह नाकामयाब साबित होती हुई नजर आई। और अब रश्मि ठाकरे को लेकर तमाम राज खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि रश्मि ठाकरे को लेकर किस तरीके से अब यहाँ पर तमाम ऐसे नेता है जो शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और साथ ही साथ वह उद्धव गुट से अलग होकर शिंदे गुट में ना शामिल होकर भी तमाम राज खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार उद्धव ठाकरे के गुट में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे रामदास कदम ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि रश्मि ठाकरे को कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं किया गया। बीते रविवार को दापोली में एक बैठक हुई और उस मौके पर उन्होंने परिवार की आलोचना की। उन्होंने यहां पर सवाल खड़े कर दिए कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे तब रश्मि ठाकरे वाहिनी जहाँ भी जाती थी उनका साथ देती थी। मासाहेब मीनाताई और रश्मि ठाकरे इस जीवन में कभी मंच पर नहीं चढ़े। मैं केवल 3 बार मंत्रालय गया हूं जब उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री रहे। कभी कभी वह मातोश्री और काउंटिंग बक्सों पर छिप जाते थे। रामदास कदम ने आरोप लगाया कि रश्मि ठाकरे इस बंगले पर ठेकेदारों से मिला करती थी, लेकिन अब देखना होगा कि आदित्य ठाकरे और शिवसेना नेता इस पर रिपीट। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने शिवसेना में 52 साल काम किया है, कई मामले उठा चुके हैं और साथ ही साथ यहां पर आदित्य ठाकरे को लेकर भी उन्होंने बात कही। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने बताया कि जब उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को खोते हुए देख रहे थे, शिवसेना को यहां पर रिपीट। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे अक्सर कहा करते थे कि वह बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। ओ, कितनी बार इस कहानी को सुनाना है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको संदेह है कि आप बाला साहेब ठाकरे के पुत्र हैं। क्या हमने कहा कि आप बाला साहेब ठाकरे के बेटे नहीं हैं? वहीं उन्होंने यहाँ पर और भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यहाँ पर कहा कि आपको बार बार ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा कि क्या आपके अंदर कोई उपलब्धि है। वहीं रामदास कदम ने उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे के धोखे को लेकर भी आरोप लगाया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर मढ़ के एक बंगले में एक सभा हुई और उस वक्त उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े कर दिए, कहा कि मेरे शिव सैनिकों को मुख्यमंत्री बनाओ। वहीं यहां पर उन्हें एक बार फिर से सवाल वहीं दूसरी ही तरफ रामदास कदम ने और भी तमाम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि बैठक हुई और बैठक के बाद यहां पर क्या कुछ देखने को मिला, उसके बाद रात में क्या हुआ ये नहीं पता चल पाया। उन्होंने यहां पर संजय राउत और शरद पवार को लेकर बताया कि संजय राउत शरद पवार के बंगले में चले गए और उस वक्त उद्धव ठाकरे ने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी रो रही है, सिर मार रही है, आप मुख्यमंत्री हैं, मुझे वर्षा बंगला जाना है। इस तरीके से रामदास कदम ने यहां पर खुलासा किया कि रश्मि ठाकरे उस वक्त काफी ज्यादा रोई थी जब सीएम हाउस को खाली करना पड़ा था। उद्धव ठाकरे को जब वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे उस वक्त रश्मि ठाकरे का हाल कैसा था। ये तमाम खुलासे अब रामदास कदम ने किए हैं और तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं, लेकिन इनमें सच्चाई कितनी है ये तो सिर्फ और सिर्फ ठाकरे परिवार ही बता सकता है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता से सरकार गिरी तो यहाँ पर हर किसी का इमोशनल होना भी जायज है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने इस पार्टी का गठन किया, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद मोर्चा संभालती हुई नजर आई रश्मि ठाकरे। एक संपादक के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारियों को संभाला है। शिवसेना के मुखपत्र स्थापना में एक संपादक के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला है, लेकिन संजय राउत का ईडी की गिरफ्त में जाने के बाद अब संपादक पद को उद्धव ठाकरे ही संभाल रहे हैं।
आप सभी ने देखा जाना कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे किस तरीके से रोई थी। उद्धव को लेकर ये तमाम दावे किए रामदास कदम ने, अब इनमें कितनी सच्चाई है और ये तो सिर्फ और सिर्फ उद्धव और उनका परिवार ही बता सकता है। अब इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अक्टूबर के महीने में ये चुनाव होने वाले है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि साल 2023 में अब ये चुनाव हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले समय में शिवसेना की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी की। लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।